नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मैदा पापड़ी बनाएंगे। ये बहुत ही खस्ता, कुरकुरी और स्वाद में बहुत अच्छी होती हैं। इन्हें हम किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। स्नैक के रूप में बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। तो आइए मैदा पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। मैदा पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा से डो लगाकर तैयार करेंगे। हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, 2 कप मैदा है और इसमें हम 60 ग्राम घी डालेंगे, 1/4 कप घी डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, बहुत अच्छी महक आती है। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। ये हमने पापड़ी के लिए सख्त आटा लगा करके तैयार कर लिया और इतना आटा लगाने में 1/2 कप पानी लगा है। आटे को ढककर के हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, आटा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम पापड़ी बनाएंगे। 1/2 घंटा हो गया है, हमारा आटा भी तैयार हो गया है सेट होकर। अब हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और छोटी छोटी लोइयां तोड़कर तैयार करेंगे। ये हमने लोइयां तोड़कर तैयार कर ली। अब हम इन्हें गोल करके इनके पेड़ जैसे बना लेंगे, इस तरीके से। सारी लोइयों से हम इस तरीके से गोल करके पेड़ जैसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम पापड़ी बेलेंगे। तो एक लोई उठाएंगे और बाकी लोइयों को ढक कर के रखेंगे ताकि ये सूखे ना, और हम इस लोई को बिल्कुल पतला 4-5 इंच के व्यास में बेलकर तैयार करें। पापड़ी को हम किनारे से बेलेंगे, बीच में पतली और किनारे से मोटी पापड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से चकले को भी घुमा सकते हैं बेलने के लिए। ये हमने एकदम पतली पापड़ी बेलकर तैयार कर ली। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए ये पापड़ी को इस तरीके से उठाएंगे और पूरा आधे तक फोल्ड नहीं करना है, थोड़ी सी पूरी सामने बची रहनी चाहिए। इसके बाद दूसरा फोल्ड हम इस तरीके से करेंगे, इसे उठाएंगे और थोड़ा आगे तक, आधे से आगे तक ले जाएंगे तिरछा। ये देखिए, ये शेप हमें पापड़ी को देनी है। ये हमने पापड़ी बनाकर तैयार कर ली, इस तरीके की बना करके ये हम प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम बेल कर मोड़ कर सारी पापड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। आटा अच्छा लगा होता है तो पापड़ी बड़ी आसानी से और बहुत पतली बेल जाती है। आटा गीला हो या बहुत ज़्यादा सख्त हो तो पापड़ी बेलने में परेशानी होती है। अब हम इन्हें तलेंगे। तो तलने के लिए हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। एक पापड़ी डाल करके तेल में देख लेते हैं कि हमारा तेल कैसा गरम है। वैसे तो इस तरीके से हम हाथ रख के देखते हैं, हाथ पर हीट आ रही है। तेल में पापड़ी डालते हैं तलने के लिए। मीडियम गैस पर हम ये पापड़ी तलेंगे अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो तेल हमारा गरम है, पापड़ी सिक करके ऊपर आ रही है। हम इसमें कढ़ाई में 3-4 पापड़ी तलने के लिए डाल देते हैं। नीचे की ओर से पापड़ी हल्की सी सिक गई है, हम इन्हें पलट देते हैं। पापड़ी को पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। पापड़ी दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक गई है, हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कलछी पर पापड़ी रख करके थोड़ा सा हम कढ़ाई में रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में निकल जाए। और इसी तरीके से हम सारी पापड़ी तलकर तैयार करेंगे।
पपड़ी को निकालते समय हमें खास ध्यान रखना है, खुला भाग नीचे की ओर और बंद भाग ऊपर की ओर रखना है, ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में निकल करके चला जाए, पपड़ी के अंदर तेल ना रहे। ये सारी पपड़ी हमने तलकर तैयार कर ली और इतने आटे में 25 पपड़ी हमने बनाई हैं। एक बार की पपड़ी तलने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। मैदा की पपड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही खस्ता कुरकुरी बहुत ही स्वादिष्ट पपड़ी बनी है और इन्हें बनाना बहुत आसान है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जब आप आटा लगा रहे हैं तो ध्यान रखना है आटा एकदम सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। जब आप पपड़ी बेलें पतली बेलें, लेकिन ध्यान रहे कि पपड़ी किनारों पर मोटी और बीच से पतली ना हो, एक जैसी बेले। जब आप पपड़ी तलें तो तेल मीडियम गर्म हो, मीडियम आग पर पपड़ी को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। आप बहुत अच्छी पपड़ी बनाएंगे। और पपड़ी को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भर करके रख लें। पपड़ी को 1 से 2 महीने तक रख करके खा सकते हैं। आप ये पपड़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।